All I'm trying to say is there is a new profession on the horizon. There is a new opportunity on the horizon. India is a booming economy, and you people can make a wonderful career out of it. Please listen to this carefully. The future is in agriculture. The future is in farming. The future is in animal husbandry. The future is in dairy farming. Please take agriculture seriously. Hello everyone, welcome to Techno Vimal YouTube channel. I am a fourth year student of Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth RAHURI. तो भाई आज वाली वीडियो में आपको बताने वाले हैं एग्रीकल्चरल कंप्लीट रोड मैप के बारे में. तो जो भी स्टूडेंट हैं इस फील्ड में अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो. मैं इसके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दूंगा बहुत ही शॉर्ट में. तो मैंने कोशिश किया है कि आपको इस छोटे से रोड मैप के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है तो वीडियो के एंड तक शायद आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस फील्ड में आ जाए. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक ज़रूर देखना. चलिए दोस्तों मेन वीडियो पे आते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा रोड मैप बनाया है. अभी आगे सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी, ऐसे सारे पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे होंगे आगे. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड पर बीटेक एजी है और दूसरे साइड पर बीएससी एजी. और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीटेक एजी और बीएससी एजी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. आपको जो अपॉर्चुनिटी बीटेक एजी के बाद मिलती है, जो जो सेक्टर में जॉब करने के लिए, बीएससी एजी के बाद भी वही चीज़ें मिलती हैं. जो मेजर डिफरेंस होता है कुछ सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाए जाते हैं बीएससी एजी में. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि बीएससी एजी कर रहे हैं, मैंने उनसे सारी इन्फॉर्मेशन ली है. तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बीएससी एजी बीटेक एजी दोनों की. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर आप इसमें ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन कैसे मिलने वाला है. तो दो तरीके यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए. सबसे पहला तरीका है ICAR-UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जो कि ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है. तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हैं तो इसके थ्रू जो भी अप्रूव्ड कॉलेज हैं ICAR के, तो वहाँ पर 15% सीटें रहती हैं, तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं. और यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो केवल और केवल ICAR के मार्क्स को कंसीडर करते हैं, तो उसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं. और दूसरा तरीका जो है यार, वो अलग अलग जो स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं तो महाराष्ट्र के जितने भी टॉप के कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के, आप महाराष्ट्र सिटी के थ्रू ले सकते हैं. अगर आप पंजाब में हैं तो वहाँ के सिटी के थ्रू ले सकते हैं. वैसे अलग अलग स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के जो भी एग्रीकल्चर के कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए. और दूसरी बात यार, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस 12वीं पास हैं 50% मार्क्स से तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए. आप किसी भी ग्रुप से हैं, PCB, PCM और PCBM किसी भी ग्रुप से हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं या इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं. तो अब बात करते हैं ड्यूरेशन की यार. तो यहाँ पर ड्यूरेशन आपका बीटेक का जो रहता है 4 साल का रहता है, 8 सेमेस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे. और जो इसका जो बीएससी एजी का रहता है यार, इसका यही सेम रहता है ड्यूरेशन जो जनरली बीएससी होता है अलग स्ट्रीम से, तो उसमें 3 साल की बीएससी होती है, बट एग्रीकल्चर में आपको 4 साल की बीएससी रहती है, तो इसमें भी 8 सेमेस्टर होते हैं. तो फ़ी की बात करें तो फ़ी जनरली यार जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं इंडिया में ICAR के द्वारा एडमिशन देते हैं तो उनकी फ़ी 40,000 रुपये रहती है. और यहाँ पे आपको मैं स्कॉलरशिप बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ICAR के थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको NTA की स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो 3,000 रुपये महीने स्कॉलरशिप भी मिल जाती है. तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनको अच्छी खासी रिटर्न हो जाती है स्कॉलरशिप फ़ी के रूप में. तो आपको कुछ ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी अगर आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो. और सबसे मेन चीज़ यार इसमें पढ़ाया क्या जाता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्योंकि सारे बच्चे फैमिलियर नहीं रहते इन सारे सब्जेक्ट से. सभी जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ के आए होते हैं अपने 12th के बाद इसमें एडमिशन लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको पढ़ाया क्या जाएगा. जो बच्चे 12th में एजी लिए होते हैं उनको ज़्यादा ईजी पड़ जाता है क्योंकि सारी चीज़ें फैमिलियर होती हैं, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं. बट जो बच्चे यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले होते हैं उनको सब सारी चीज़ें नहीं रहती हैं. तो मैं अपने कॉलेज के बेसिस से आपको बता रहा हूँ कि क्या हमारे बीटेक एजी में पढ़ाया जाता है MPKV राहुरी में. तो यहाँ पे मेजर 5 जो डिपार्टमेंट हैं इन्हीं में सारे सब्जेक्ट आते हैं. तो सबसे अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको स्टार्टिंग में आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज दिया जाएगा, HTML C लैंग्वेज का भी थोड़ा सा जानकारी देते हैं. और यार आपको 3rd सेमेस्टर तक आपके जो बेसिक मैथ होते हैं वो सिखाए जाएंगे 11th 12th वाले. और आपको यहाँ पे केमिस्ट्री भी पढ़ाया जाएगा 3 सेमेस्टर तक या शायद 2 सेमेस्टर तक. बेसिक केमिस्ट्री जो 11th की होती है वो पढ़ाई जाएगी.
मेजर जो सब्जेक्ट होते हैं यार आपके जो डिपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं, जो प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट होता है मैक्सिमम जो थर्ड सेमेस्टर के बाद होता है, और यहाँ पे आप बीएससी एजी में देखें तो जो डिपार्टमेंट होते हैं इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही डिपार्टमेंट हैं बीटेक एजी के अलावा, क्योंकि इसमें जो स्टार्टिंग के आप तीन सब्जेक्ट देख रहे हैं एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर सॉइल साइंस, ये मैक्सिमम जो कुछ चीज़ें हैं बीटेक एजी से मैच करती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और इनके अलावा जो नीचे के आप देख रहे हैं सारे चीज़ें नई होती हैं बीएससी एजी वालों के लिए, ये बीटेक एजी में सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ज़्यादातर वहाँ पे मशीनरीज वगैरह टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, ये नए सब्जेक्ट होते हैं बीएससी एजी वालों के लिए। और ये जो मेजर जो डिपार्टमेंट होते हैं ये बीटेक एजी वालों के, ये सिक्स सेमेस्टर के बाद आपको पर्सनली दे दिया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट के स्टडी करेंगे। केवल आपको सिक्स सेमेस्टर तक सारे डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे आपको ऑटोकैड भी सिखाया जाएगा इसमें, और आपको बिल्डिंग मटेरियल भी सिखाया जाएंगे थर्ड फोर्थ सेमेस्टर तक, क्रिकेट इंजीनियरिंग के भी कुछ चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है वो सभी इंजीनियरिंग का एक तरह से समावेश मान सकते हैं, क्योंकि सारी थोड़ी थोड़ी जानकारी सभी इंजीनियरिंग से आपको यहाँ पर दे दी जाती है। आपको बिल्डिंग मटेरियल भी वगैरह पढ़ाया जाएगा, सिविल इंजीनियरिंग का थोड़ा सा पोर्शन, आपको इलेक्ट्रिकल भी थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा सभी फील करा देंगे आपको। और इंड में आपको अलग से एक डिपार्टमेंट दिया जाता है सिक्स सेमेस्टर के बाद, कि आपको कहेंगे भैया आप इस डिपार्टमेंट में पढ़िए केवल इसी सब्जेक्ट को, तो आप इसमें से कोई भी डिपार्टमेंट चुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको जो आप पसंद करते हैं। तो उसके अलावा यार अब बात करते हैं कैरियर ऑप्शन की, तो यहाँ पर बहुत सारे कैरियर ऑप्शन होते हैं, आपको आगे स्टार्टअप और पीजी के लिए भी बताएंगे और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ यार अगर आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एजी आपका मेन फैक्टर बन जाता है, आपको ऑप्शनल ले सकते हैं, काफ़ी इजी हो जाता है अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं एजी ऑप्शनल लेते हैं तो। उसके बाद यार IBPS-AFO का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको फील्ड ऑफिसर की पोस्ट दी जाती है, बहुत सारे इंडिया में जितने भी बैंक होते हैं उसमें आपको AFO की रैंक दी जाती है, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन की एग्ज़ाम होती है यार, नाबार्ड की भी एग्ज़ाम होती है, तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पोस्ट आते हैं जिसको आप दे के अच्छा खासा पोस्ट हासिल कर सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी जनरेट कर सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ पे एक और एग्ज़ाम होता है RRB स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, और आप अपने स्टेट की वैकेंसी फिल कर सकते हैं यार, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, तो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और लेखपाल वगैरह भी आता है, उससे भी कुछ वैकेंसी रहती हैं तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यार खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपका मन है कि हम कुछ अपना करेंगे, तो आप अच्छा खासा कर सकते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, यार अच्छा खासा बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और डेयरी फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, ये सारे अच्छे खासे बिजनेस हैं जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे रिटायर होने के बाद प्रोफेसर वगैरह भी इसको अपना बना लेते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम कि हम ये करेंगे, जिनके पास खेत वगैरह फ्री में बचा हुआ है तो अपना पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू बनाते हैं, बहुत सारे लोग कमाते भी पैसे हैं। अगर आप यार आपको टॉप 5 जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप के बारे में बताएं, तो इंडिया में जो अभी टॉप के 5 एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं अच्छा खासा जिनका नेटवर्थ है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं निंजाकार्ट, जिनका नेटवर्थ है $164.2 मिलियन, तो भाई अच्छी खासी कंपनी उन्होंने जनरेट की, 2015 में बनाई गई थी, कुछ 3-4 फ्रेंड्स मिलके बनाया था ये इस कंपनी को, तो अभी इनका नेटवर्क देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा वे कूल, जिनका नेटवर्क $60 मिलियन है, तो आपने एग्रो स्टार का भी नाम सुना ही होगा, अगर आप इन दोनों का भले ना सुना हो पर एग्रो स्टार का नाम सुना होगा, तो एग्रो स्टार का भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा नेटवर्क है, काफ़ी स्केल कर चुके हैं अपना बिजनेस इंडिया में, और एक देहात करके एक अच्छा खासा स्टार्टअप है इंडिया का। पांचवा है आपका स्टेल है, जिनका नेटवर्थ आप यहाँ पे देख सकते हैं 18.8 मिलियन, यहाँ पे जनरली ये फ्रेश जो मिल्क वगैरह है वो प्रोडक्शन कराते हैं, अच्छा खासा डेयरी का इनका जो रहता है गाय वगैरह के दूध निकालते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के थ्रू, और प्योरीफाई करके जो अमूल और भी जो कंपनियाँ हैं ब्रिटानिया वगैरह के वहाँ पर सप्लाई होता है, तो अच्छा खासा यहाँ पर बिजनेस है इनका। और पीजी में अगर आप करना चाहते हैं, अगर हमको हायर स्टडी करना है आपको बीटेक एजी बीएससी एजी के बाद, तो आप कर सकते हैं बीएससी एजी के बाद, आपको एमएससी का भी आईसीआर के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, और अगर अपने स्टेट के हैं तो स्टेट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं।
उसके बाद अगर आप यार बीटेक के बाद गेट करना चाहते हैं, जैसे आपको एमटेक करना है आईआईटी से, तो आप गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हर कोई बंदा अपीयर हो सकता है, अपीयरिंग में ही आप दे सकते हैं। उसके बाद यार एमएससी के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, स्कॉलर वगैरह बन सकते हैं। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि हमको एमबीए करना है तो फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, तो आईएम वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं एमबीए के थ्रू कैट का एग्ज़ाम देके। तो दो आईएम हैं, आईएम अहमदाबाद, आईएम लखनऊ, जो कि एबीएम कराते हैं, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा खासा अगर यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो अच्छी खासी लाइफ बन जाती है आपको। और आगे बात करें यार, अगर आपको इस टीचर वगैरह बनना है, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वगैरह बनना है, तो आप जेआरएफ अगर नेट दे के आप वहाँ पे प्रोफेसर बन सकते हैं, उनकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। और प्राइवेट सेक्टर की बात करें यार, तो आप बीटेक करते हैं तो अगर आपका जो सीजीपी वगैरह है काफ़ी अच्छा है, तो आप इन सभी कंपनियों के लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने कॉलेज के दौरान ही। आपको यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अगर आपका कॉलेज अच्छा है तो शायद कंपनियाँ आप आ सकते हैं आपको प्लेसमेंट के लिए भी। तो अपना रिज्यूमे वगैरह तगड़ा रखिए और अपने बीटेक का जो सीजीपीए वगैरह है अपना बढ़ा के रखिए, तो आसानी से आपको इंटरव्यू वगैरह दे के सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर तो यहाँ पे ज्वाइंट ईयर वगैरह में इंटर्नशिप करना चाहते हो तो कर सकते हैं। टैफे है, शक्तिमान है, तो ऐसे बहुत सारे जो फार्म मशीनरी की कंपनियाँ हैं वो ले जाते हैं जो कि बीटेक एजी करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो मार्केटिंग के लिए ही प्लेस्ड होते हैं, मार्केटिंग डिज़ाइन वगैरह इनको आता है अच्छे से, तो उनको कंपनियां ले जाती हैं, उनको जो अच्छा खासा सैलरी देती हैं। आपको 5 से 6 लाख तक का पैकेज मिल जाता है यहाँ से, तो आपको वहाँ प्रमोशन वगैरह भी मिल जाएगा अच्छा खासा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि हमको बीटेक एजी के बाद अपना कोई स्टार्टअप करना है तो कर सकते हैं, या आपको जॉब करना है तो आप अपना जो रिज्यूमे है वो तगड़ा रखिए, कुछ जो अलग अलग स्किल्स हैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कुछ चीज़ें सीख के रखनी है, क्योंकि जो इंडिया में जो कंपनियां हैं अलग अलग उनको भी ज़रूरत रहती है ऐसे बंदों की जिनके पास स्किल हो। तो आप अपना स्किल इम्प्रूव करते रहिए, नए नए कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको बताऊँगा कि बीटेक एजी में आपको कैसे सर्वाइव करना है आगे वीडियो बना के। तो ये थी वीडियो यार, आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो काफ़ी जानकारी मिल गई होगी यार। अगर इस फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं और क्या क्या चीज़ आगे रहती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद यार। तो अगर आपने वीडियो को पहली बार देखा है हमारे, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद।